गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। अगली जो वीडियो हम लोड किए हुए थे उसमें सिर्फ है मान डिग्री का, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का जो मान था उसको निकालने के लिए हम सिखाए थे। लेकिन आज हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक क्लास 10 मिनट का बनाएंगे और 10 मिनट करके ही बनाएंगे। लेकिन जो बेसिक क्लास देंगे वो बहुत ही एक्स्ट्रा रहेगा। और जो आप लोग क्लास करते हैं, बेसिक क्लास करते हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है वो सिर्फ मेरा वीडियो एक बार देखें, उनको परिपूर्ण रूप से बहुत आसानी तरीके से सभी सूत्र भी याद हो जाएंगे। और निकालना कैसे सूत्र निकलता है, वो सिर्फ कैसे निकलता है आपके पास, आपको सारा जो ट्रिक है, जो भी सूत्र है आपके दिमाग में डायरेक्ट जाएगा, एकदम सीधा सीधा आपके दिमाग में जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं फंसने वाला है। और कहीं रटने वाली बात नहीं है कि आपको सूत्र से जी याद करवा रहे हैं चाहे रटा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको ध्यान में रख करके, कॉन्सेप्ट सिर्फ दिमाग में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे थोड़ा सा चलते हैं। और जो 0 डिग्री 30 डिग्री उसमें बहुत सारा मुझे पता चला था कि थोड़ा सा साफ नहीं, क्लियर नहीं आ पाया था और बड़ा बड़ा नहीं लिख पाए थे 0 डिग्री 30 डिग्री, तो बहुत सारे कंफ्यूज में बहुत सारे बच्चे हो गए थे। लेकिन अभी इस बार में, इस वीडियो में हम एक एक करके हर एक को तोड़ करके हम बताएंगे, तो सबसे आप वीडियो उसको देखते रहिए। हम पहले बताए हुए थे कि जहाँ तीन भुजा देखना 180 डिग्री कोना, जहाँ तीन भुजा देखना, कौन सा भुजा, जहाँ तीन समान भुजा देखना वहाँ 180 डिग्री कोना, और जहाँ चार भुजा देखना वहाँ 360 डिग्री कोना, साथ में गोलका को भी रखना। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें भी तीन भुजा है, लेकिन यह जो दोनों भुजा है आपस में क्या है, बराबर है, और ये बड़ी भुजा है, दोनों भुजा का योग जो होता है बड़ी भुजा होता है। ठीक है दोस्तों, ए बी सी मान लेते हैं, ये जो 90 डिग्री का एंगल है तो कोण, ये कर बहुत सारे दोस्तों को नहीं समझ में आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि लंब तो डायरेक्टली ए बी लिख देते हैं, कभी कभी लंब ये भी बी सी भी हो जाता है, इसकी भी जानकारी उनको नहीं हो पाती है आखिर बी सी किस प्रकार से लंब होता है। आज देखेंगे बेसिक क्लास में कि ये लंब कैसे होता है। दोस्तों ये कभी कोण है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जो है हाइपोटेनस कभी मींस नहीं हो सकता है चेंज, इसको कर्ण हिंदी में कह सकते हैं, हाइपोटेनस अंग्रेजी में कह सकते हैं, और इसको के से भी सूचित किया जा सकता है। अब रखे बात कि जब सी पूछेगा दोस्तों, कौन सी, जैसे नहीं पूछते हैं कौन सी बराबर क्या लिखेंगे, तो कौन सी बराबर मान लेते हैं कि साइन सी है ना, तो साइन सी जब पूछेगा तो इस सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, साइन क्या, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण होता है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, तो सी वाला देखेंगे वो दोस्तों, सी का सामने में जो कोण पूछेगा, सी का सामने का कोण क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी लंब हो जाएगा है ना, और कोण तो चेंज होता नहीं इसलिए ए सी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसी प्रकार से साइन इस बार ए पूछ देते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी साइन सी भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, क्योंकि ये भी 45 डिग्री का बनेगा और ये भी 45, तभी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कोण ए पूछेगा तो साइन ए यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, थीटा का कोण गुणन के लिए किया जाता है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ बी, डी जो भी दिया रहेगा वहां पे लिखा रहेगा, या फिर थीटा कोण दिया रहेगा, थीटा बी से भी क्योंकि यहाँ साइन सी था तो सी के लिए लंब सामने वाला हो जाएगा है ना, और जब ये लंब हो जाएगा तो बीसी आधार हो जाएगा है ना, उसी प्रकार से साइन ए के लिए पूछ दिया तो ये सामने का लंब हो गया और ये एसी कोण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसी प्रकार से निकाल दे हम पूरा कॉस ए बराबर, तो कॉस, अब ये बीसी तो लंब था तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा एसी, आई बटा कोण तो चेंज होता ही नहीं है दोस्तों, ए बटा ए। इसी प्रकार से टैन, लंब बटा भाग होता है ना, लंब बटा था, यहाँ पे ए डाल देते हैं, ए टाइम लंब ए का आधार कौन, ये सामने वाला क्या हो जाएगा बीसी लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, ए
से भी आधार हो गया है ना। उसी प्रकार से हैं cot, cot क्या क्या हो जाएगा, cot बराबर आधार बटा लंब आधार। तो यहाँ ये डाल दिए है ना, ये डाल दिए तो ये सामने का क्या हो गया लंब, और तो ये आधार हो गया ए बी बटा बीस है ना। अगर यही रहता cot c, cot c बराबर तो ये सामने वाला हो जाता है लंब और BC आधार, तो BC बटा AB है ना, हो गया ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ A, A और C में, A में और C में अंतर कैसे स्पष्ट होता है इसको ध्यान में रख करके हम लोग काम करें, ठीक है। अब आते हैं इस प्रकार से हम लोग ये जो पहला कॉन्सेप्ट था इसको दिमाग में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सबका इसी प्रकार से निकालना होगा है ना, सबका इसी प्रकार से निकालना होगा, हम लोग को ध्यान में रख करके इसको बनाएंगे। अब आते हैं कुछ सूत्र पर, जैसे लाल बाटा का करते हैं ठीक है, पहले की हम जानकारी दिए हुए हैं ए ले एल के ए है ना। लाल बाटा काका पढ़ते हैं, कोई पंडित ये क्या बोलते हैं, लाल बाटा काका हो गया पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा और भारत है ना। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद भी कोई कहता है इसी को ठीक है, लेकिन हमने बना दिया है पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भारत ठीक है। तो हम लोग जो भी तरीका है सिंपल तरीका हम लोग यूज कर रहे हैं, ज्यादा भारी नहीं, जो समझ में आए कॉन्सेप्ट काका से पढ़ना चाहते हैं या पाकिस्तान भूखा प्यासा से पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, आप जैसे सुविधा लगे आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा यहाँ साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है और कॉट होता है। अब आते हैं देखिए, हम एक आप लोग को बहुत ही जितना भी इसका सूत्र है ना हम निकालना एक एक करके सिखा देते हैं। पहले तो हम लोग साइन इंटू कॉस करते थे, ये भी बहुत आसान तरीका है दोस्तों, साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू से, टैन इंटू कॉस है ना। लेकिन एक और है, इस प्रकार से हम लोग छह को बना सकते हैं है ना, छह खंडा बना दे, षष्ठभुज, षष्ठभुज बना दे है ना, और षष्ठभुज बना कर दे दोस्तों, और यहाँ पे इस प्रकार से काट दे, क्या कर देते हैं मिला देते हैं ठीक है, सामने सामने मिला देते, मिला दिए, यहाँ ध्यान दीजिए मिला दिए ना, मिला दिए, देखिए यहाँ लिख देंगे टाइम, यहाँ लिख देंगे कॉस, इधर सी है ना, टाइम के बाद यहाँ आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, कॉस कॉस और ये हो जाएगा कॉसे, देखिए सी सी है ना, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसे, कॉस का उल्टा क्या होता है से, कॉस का उल्टा क्या होता है से, और टैन का उल्टा क्या होता है कॉस, और साइन का उल्टा कॉस है, सिंपल तरीका ला दिए ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग तो उल्टा करके यहाँ पे गुना भी करना सीख बता रहे हैं, जैसे टैन टैन है ना, सिंपल तरीका दोस्तों बता रहे हैं, अच्छा इस बार में अगला बार में बताते हैं, लेकिन जो गुना में है उसी को पहले गुना वाला बता देते हैं। टैन गुने कॉट बराबर वन होता है दोस्तों है ना, पहला। दूसरा साइन गुने कॉसेक बराबर वन होता है, कॉस कॉस गुने सेक बराबर वन होता है, कॉट का तो हो गया, कॉट हो गया, कॉट गुने टैन या तीन को इधर से ले, दोनों में कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर वन प्राप्त होता है। अब इसको भी हम लोग सीध कर सकते हैं, यहाँ पे बोले हैं सीध करके रेक को बताएंगे, तो टैन का टैन बराबर क्या लिख सकते हैं, टैन बराबर लंब बटा क्या होता है, टैन बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, और गुना कॉस बराबर आधार बटा लंब, आधार आधार कट गया, लंब लंब कट गया, तो एक बच गया ना दोस्तों, एक आ गया। इसी प्रकार से ये सारा भी बनेगा, लेकिन अब इसमें आ गया क्या, फिर पहला सूत्र अगर टैन हम पूछ देते हैं तो ठीक है, टैन अगर पूछ देते हैं टैन बराबर क्या हुआ, तो एक ये दोनों गुना में है तो कॉट चला जाएगा भागा में है ना, कॉट हो गया ना, अगर
cos पूछ देता है, cos बराबर 1 बटा tan हो जाता है। उसी प्रकार से sin, अगर sin पूछता है तो 1 बटा cos।